बॉलीवुड में इन दिनों वन नाइट स्टैंड पर खूब चर्चा हो रही है और सनी लियोनी की आने वाली फिल्म भी इसी विषय पर आधारित है। फिल्म की कहानी क्या होगी ये तो शायद ही किसी को पता हो, लेकिन हम आज उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें वन नाइट स्टैंड यानी किसी के भी साथ एक रात गुजारने में कोई परहेज नहीं है। बॉलीवुड के लवर बॉय रणवीर सिंह ने रियलिटी शो कॉफी विद करण में एक बार स्वीकार किया था कि उन्होंने एक बार से ज्यादा वन नाइट स्टैंड गुजारा है। फिल्म काम सूत्र को लेकर चर्चा में आई दिलकश अदाकारा शर्लिन चोपड़ा एक बार एमटीवी इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ये स्वीकार कर चुकी हैं कि उनका वन नाइट स्टैंड रिलेशनशिप में बदल गया था। शर्लिन के मुताबिक, मैं भी इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेने लग गई थी। हम अपने रिलेशन से बहुत खुश थे और इसे आगे लेकर जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो मुझसे कमिटमेंट चाहते थे। मैं उन्हें इस इंडस्ट्री की वजह से कमिट नहीं कर पाई। शर्लिन ने आगे कहा कि डरपोक और उतावले लोग वन नाइट स्टैंड को ज्यादा इंजॉय करेंगे। आदित्य रॉय कपूर ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कहा था, हालांकि उन्होंने अब भी तक किसी के साथ वन नाइट स्टैंड नहीं किया है, लेकिन उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य के मुताबिक, अगर कोई खूबसूरत महिला वन नाइट स्टैंड के लिए तैयार है तो शायद ही कोई सिंगल लड़का मना करेगा। आदित्य ने आगे कहा कि वन नाइट स्टैंड में कुछ गलत नहीं है, ये एक पर्सनल चॉइस है। सीरियल किसर इमरान हाशमी ने कॉफी विद करण में स्वीकार किया था कि वो सबसे ज्यादा इस बात को मिस करते हैं कि जब वो सिंगल थे तो उन्होंने वन नाइट स्टैंड क्यों नहीं किया। कॉमेडी के बड़े सितारे कृष्णा और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने ये स्वीकार किया है कि उनका रिलेशनशिप वन नाइट स्टैंड से ही शुरू हुआ था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। टिल देन एंजॉय।